अभी अहम खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान असेंबली के तमाम 51 हलकों के नतीजे मौसूल। पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 नशस्तों पर कामयाब, जबकि मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान असेंबली में 10 नशस्तें हासिल की हैं। बलोचिस्तान असेंबली की 6 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हैं। इसी पर बात करेंगे, इब्रार हमारे साथ मौजूद हैं। जी इब्रार, आगा की जगह बलोचिस्तान असेंबली के भी तमाम हल्कों के नतीजे मौसूल हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पोलिंग डे के बाद जो है नतायज आने का सिलसिला शुरू हुआ था और गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है नतायज आ रहे थे और आज जो है बलोचिस्तान के 51 जो सूबाई हलके हैं उसके नतायज मुकम्मल हो गए, जबकि कौमी असम्बली के 16 जो हलकों के नतायज थे वो भी मुकम्मल हो गए हैं। अगर बलोचिस्तान की सूबाई हलकों की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी और JUI ने जो है अब तक 11-11 नशस्तें हासिल की और वोट सर फहरिस्त हैं। PMLN की जानब से जो है वो 10 नशस्तें हासिल की गई हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानब से 4 नशस्तें हैं। नेशनल पार्टी ने 3 नशस्तें हासिल की हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से 2 नशस्तें हैं, जबकि जमा इस्लामी, BNP अवामी, हक दो तहरीक जो है इन्होंने 1-1 नशस्त हासिल की है, जबकि 6 जो है 6 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। और ये इस तरह जो है 51 जो हल्के हैं इनके इसके नतज मुकम्मल हो गए हैं। अगर कौमी असम्बली के हल्कों की अगर बात की जाए तो 16 हलके हैं, इसमें से PMLN जो है उसने 4 नशस्तें जो है कौमी असम्बली की वो हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी और JUI की जानिब से 2-2 नशस्तें हासिल की गई हैं। BNP और आज़ाद जो हैं उन्होंने भी 2-2 नशस्तें हासिल की हैं। इस तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने 1 नशस्त हासिल की है, जबकि पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी ने भी 1 नशस्त हासिल की है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से 1 नशस्त हासिल की गई है। नेशनल पार्टी ने भी 1 नशस्त हासिल की है। अब तक के जो नतज हैं 16 कौमी असम्बली के हल्कों और 51 जो सूबाई असेंबली के हल्के हैं इनके नतायज के नतायज जो है मैंने अभी आपको बताई है। जी बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन को बलोचिस्तान असेंबली के 51 हल्कों के नतायज मौसूल हुए।